डॉक्टरों का एनपीए बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। कहा, ये वही ब्यूरोक्रेट्स जो नहीं चाहते खुद से आगे कोई निकले। स्वास्थ्य मंत्री का बयान हास्यास्पद, खुद कैबिनेट मीटिंग में लिया फैसला और मीडिया के सामने मुकरे। यादविंदर कुमार मंडी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का एनपीए बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री मालूम नहीं कि उनके विभाग का कौन सा फैसला आज कैबिनेट में लिया जाना है और क्या निर्णय हुआ। 17 मई की कैबिनेट में आइटम नंबर 33 में ये एनपीए का फैसला लिया गया था, जिसमें मंत्री बैठे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल का फैसला लिया था और हमसे भी इनके प्रतिनिधि लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें ऐसा न करने को कहा है क्योंकि सारे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अचानक हड़ताल से एकदम चरमरा जाएगी। ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नहीं चाहते कि अपने से ज्यादा सैलरी डॉक्टरों की हो। मेरे समय में भी ऐसी प्रपोजल लेकर कैबिनेट में ये आए थे, लेकिन हमने इतना तय किया था कि मुख्य सचिव से ज्यादा किसी डॉक्टर की सैलरी न जाए। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों का एनपीए बंद करके सरकार ओपीएस देने का प्रबंध कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार ओपीएस दे लेकिन किसी का गला काट कर नहीं। स्वास्थ्य इंडिकेटर्स के मामले में हिमाचल देश में नंबर 1 है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्राइवेट प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा, जिसका अतिरिक्त बोझ लोगों की जेब पर ही पड़ेगा। जयराम ने कहा कि एमबीबीएस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में एक होती है, ऐसे में उनको एनपीएस न देना सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है और सरकार को चेताती है कि अगर ये फैसला वापस न लिया तो भाजपा ही प्रदर्शन करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों की सेवा में तैनात डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की नौबत आए। आप तक टाइम्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी, मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के भी दो श्रेणियां हमने बना दी इस तरह से, जबकि सभी डॉक्टर, चाहे वो नए सर्विसेज देने वाले होंगे चाहे वो पुराने सर्विसेज दे रहे हैं, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों को, एक को एनपीए मिलेगा एक को नहीं मिलेगा। पूरे देश भर में 1971 की एक नोटिफिकेशन पढ़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बहुत स्पष्ट किया है कि डॉक्टर्स का काम एक बहुत नोबल कार्य है और इसमें एथिक्स को मेंटेन करना ये बहुत आवश्यक है। आदमी की जिंदगी के साथ वो सीधा जुड़े हुए हैं, जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं और डॉक्टर अपने देश के अंदर अपनी सेवाएं दे, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसलिए एनपीए लागू करने का पूरे देश पे एक निर्णय हुआ और वो निर्णय आज तक लगभग पूरे देश के सभी प्रांतों में यथावत चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पहला ऐसा एक निर्णय ले लिया जिस निर्णय में डॉक्टर्स को अब आने वाले समय में एनपीए नहीं देगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एनपीए उनका बंद करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ से मुख्यमंत्री हमेशा हर मंच से हर भाषण में कहते हैं कि कर्मचारियों की भूमिका हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण रही है, हम कहते हैं हाँ रही है, कौन मना कर रहा है। अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्या ये जो डॉक्टर जो बन करके तैयार होंगे, जो आने वाले समय में आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे, उनको कर्मचारी की श्रेणी में नहीं मानते आप। आखिरकार बहुत हास्यास्पद स्थिति तब बन जाती है जब कैबिनेट के मंत्री कैबिनेट में उपस्थित होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी कैबिनेट में उपस्थित होने के बावजूद 17 तारीख की कैबिनेट में आइटम नंबर 33 जो एनपीए को बंद करने का जिसमें निर्णय हुआ, वो निर्णय उनकी प्रेजेंस में हुआ, लेकिन जब पूछा गया बाद में ये कि एनपीए बंद हो गया, बोलते नॉट टू माई नॉलेज, मुझे जानकारी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। तमाशा बना है सरकार का और तमाशा बने हैं इनके जो इस प्रकार के जो प्रमाण किए जा रहे हैं जो जनहित में नहीं है, ना ही जनहित में है, ना कर्मचारियों के हित में है, ना ही प्रदेश हित में है। और इसलिए मैं आज यही कहना चाह रहा हूं कि जो एनपीए बंद किया है डॉक्टर के लिए उसको तुरंत बहाल करें। डॉक्टर
लगातार संपर्क कर रहे हैं हमसे, हड़ताल पर जाना चाह रहे थे, हमने कहा हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, आदमी की जिंदगी परेशानी में हो जाती है डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं, तो ऐसे में हमने निवेदन किया है कि आप जो है विधिवत जो है चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करिए और उनसे आग्रह करिए कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।